विगत एक वर्षों से कोरोना महामारी की वजह से बच्चों के शिक्षण स्कूल बंद थे, वहीं एक वर्ष बाद मार्च से सभी विद्यालय खुलने के बाद बच्चों के अंदर शिक्षा का विकास करने एवं उनको आसानी से ज्ञान प्राप्त हो सके, इसके लिए मऊ जिले के निजी गेस्ट हाउस में प्रेरणा ज्ञानोत्सव एवं शिक्षण अधिगम सामग्री से ज्ञान अर्जित हो सके, इसके लिए मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में बच्चों को किसी न किसी विषय पर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा गया था, जिसे बच्चों ने प्रोजेक्ट को बनाकर मेले में लगाया हुआ था। प्रेरणा ज्ञानोत्सव मेले में बच्चों को सरलतम भाषा में अपने पाठ्यक्रम को समझ सके, इनके लिए बच्चों TLM का सहारा लेते हुए बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश की गई। बच्चे खेल खेल में TLM के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम को समझ सके, इसी उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि COVID-19 महामारी के कारण बहुत दिनों तक स्कूल बंद रहे हैं, तो बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और उनको प्रेरणा लक्ष्य जो हर क्लास के लिए निर्धारित है उसको जल्दी से जल्दी पाने के लिए जो है वो एक प्रेरणा ज्ञानोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन हम लोग कर रहे हैं और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से इसके लिए 100 दिन निर्धारित किए गए हैं, जिसमें बच्चों के मिनिमम लर्निंग लेवल पे जो है वो बहुत सारे काम किए जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सभी अध्यापकों ने बहुत ही अच्छे अच्छे TLMs बनाए हुए हैं और इन TLMs की एक खासियत ये भी है कि इसमें से अधिकतर TLM हमारे बच्चों ने खुद ही बनाए हैं अध्यापकों के संरक्षण में, तो हमें लग रहा है कि ये विकासखंड जो है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और बहुत सही दिशा में जा रहा है और 100 समय हम अपने 100 दिन में जो है एंड लाइन सर्वे करने के बाद सारी चीज़ों को समझ कर और प्रेरणा लक्ष्य को अगले जो है 6 महीने या 1 साल में जो जरूर हासिल करते हैं। बच्चों को सम्मानित किया गया जी, बच्चों को मैंने सम्मानित इसलिए किया कि जो प्रेरणा लक्ष्य को पहले से हासिल कर चुके बच्चे हैं उसमें हमारे चंद बच्चे ही होते हैं, क्योंकि प्रेरणा लक्ष्य में हमें 80% बच्चों को प्रेरणा लक्ष्य तक पहुंचाना है, तो कुछ बच्चे जो अभी तक प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं उनको हम लोगों ने सम्मानित किया है, जिससे कि अन्य बच्चे भी प्रोत्साहित होकर के प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।